स्टैंडर्ड टूल बार में अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना है वो है शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन। ट्रैक चेंजेस का काम क्या होता है? ट्रैक चेंजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक कराना हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और आपके इस डॉक्यूमेंट में किसी पर्सन ने अपना कोई मैटर बढ़ा दिया, एडिट कर दिया, कुछ भी लिख दिया या कोई पैराग्राफ उसने आपका डिलीट कर दिया, तो हमारी फाइल में जो भी चेंजेस हुए हैं अभी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारी फाइल में अगर कोई भी पर्सन चेंजेस करता है और हम उन चेंजेस को देख पाए, उनको ट्रैक कर पाए, तब हम ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले जब हम शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ट्रैक चेंजेस की एक टूल बार शो करने लगती है, जहाँ पे सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है शो ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस, यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस, मैनेज ट्रैक चेंजेस, इंसर्ट कमेंट। इस तरीके से हमें इस टूल बार में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप अपनी फाइल में किए गए चेंजेस को ट्रैक कराना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम यहाँ से रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन कर देते हैं, अब मान लीजिए कोई पर्सन आया और उसने आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करा के उसमें कुछ चेंजेस करा दिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही तरीके की फॉर्मेटिंग शो हो रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइल में किसी पर्सन ने चेंजेस किए हैं। ऐसे ही अगर आपकी फाइल से कोई पर्सन पैराग्राफ या कुछ भी लाइंस डिलीट कर देता है तो उसमें अलग तरीके का फॉर्मेट आ रहा है। देखिए स्ट्राइक थ्रू की एक लाइन आ रही है जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मैटर हमारा डिलीटेड है। और जब आप इन पे कर्सर रखेंगे तब भी देखिए ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका जो मैटर है वो किस डेट पे और किस टाइम पे डिलीट हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन आपकी फाइल में फॉर्मेटिंग वगैरह लगा देता है, बोल्ड इटैलिक कर दिया, स्टाइल चेंज कर दी या कलर अप्लाई कर दिया, तो भी ट्रैक चेंजेस के थ्रू आप उन चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रीवियस ट्रैक चेंजेस, यानी हम अपनी फाइल में पहले किए गए चेंजेस को देख सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस, यानी फाइल में बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है शो ट्रैक चेंजेस। अभी देखिए आपकी फाइल में जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तब हम अपने चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी फाइल में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको ट्रैक उनको देखना है, आप शो ट्रैक चेंजेस ऑन कर दीजिए। इसी में हमें एक ऑप्शन मिलता है आगे, एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस। एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल में किए गए चेंजेस को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, मतलब उसको रखना चाहते हैं। मान लीजिए ये मैटर आपकी फाइल में इंसर्ट हुआ था और आपको ये सही लग रहा है तो आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको हटाना है तो आप इस चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर एक्सेप्ट ट्रैक चेंज करते हैं तो एक एक करके चेंजेस को एक्सेप्ट कराएगा, और अगर आप रिजेक्ट ट्रैक चेंज करेंगे तो जो भी चेंजेस हुए हैं उनको ये एक एक करके रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस करेंगे तो जितनी भी चेंजेस आपकी डॉक्यूमेंट में हुए हैं उन सारे चेंजेस को ये एक बार में एक्सेप्ट कराएगा, और अगर आप अपनी फाइल में किए गए चेंजेस को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो जितने भी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हुए हैं ये उन सबको एक बार में रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट कमेंट। अगर आप अपने किसी भी वर्ड के बारे में कोई कमेंट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आता है। कोई पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में कमेंट भी ऐड करा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट ट्रैक चेंजेस कमेंट, यानी आपकी फाइल में जो चेंजेस हुए हैं इनको ट्रैक करने के लिए आप कोई कमेंट देना चाहते हैं। जैसे ये मैटर आपका एडेड है, एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, तो हम इस पे कर्सर रखें, इंसर्ट ट्रैक चेंज कमेंट पे आके कमेंट दे देंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया एडेड कंटेंट, इस तरीके से। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें एरो मिल रहा है, जो दूसरा हमने चेंज हमारी फाइल में हुआ है उसको भी कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आगे जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें दिखा रहा है ये हमारा डिलीटेड था मैटर, तो हमने यहाँ पे लिखा डिलीटेड कंटेंट, इस तरीके से। फिर हम आगे नेक्स्ट करके जाएंगे
तो ये हमारा फॉर्मेटेड था, यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मेटेड कंटेंट। तो इस तरीके से आप अपने चेंजेस के लिए कोई भी कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस। इसका काम होता है ट्रैक चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हमने यहाँ पासवर्ड डाला, वही पासवर्ड दोबारा देंगे जो हमने पहले डाला है, मतलब कन्फर्मेशन के लिए ओके कर देंगे। अब प्रोटेक्शन लगाने से होता क्या है कि अगर आपकी फ़ाइल से कोई भी पर्सन इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराना चाहेगा तो नहीं करा पाएगा, क्योंकि हम इन पे लॉक लगा चुके हैं। प्रोटेक्ट चेंजेस में आके जब हम पासवर्ड देंगे, ओके करेंगे, तभी ये ऑप्शंस दोबारा हाईलाइट होते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम उन्हें एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो एक्सेप्ट, हटाना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सारे चेंजेस हटाना है तो हम यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस करेंगे। इस तरीके से हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी फाइल में किए गए चेंजेस को ट्रैक कराने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आके ट्रैक चेंजेस को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है लाइन। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स वगैरह का यूज़ करके कोई वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, माउस को होल्ड करके ड्रैग करा देते हैं तो हमारे पास ये लाइन बनकर आ जाएगी। ये जो पॉइंट आ रहे हैं इन पे कर्सर रखते हैं तो हम अपनी लाइन को छोटा कर सकते हैं, इन्हीं को ड्रैग कराएंगे बाहर की तरफ तो लाइन हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन वगैरह बना सकते हैं। अब अगर हमें लाइन में कुछ एडिटिंग करनी है तो यहाँ से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पॉइंट्स पे। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मूव पॉइंट है, मतलब आप इस तरीके से अपने पॉइंट को मूव करा सकते हैं, लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इंसर्ट पॉइंट का मतलब होता है अगर आप किसी जगह पे और पॉइंट ऐड कराना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे आपको पॉइंट ऐड कराना है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो पॉइंट जो है वो ऐड होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से पॉइंट ऐड होकर आ चुका है। नेक्स्ट क्लोज ब्रीजर पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो आपकी लाइन थी वो पूरी क्लोज हो जाती है, उसका जो पाथ होता है वो पूरा बंद हो जाएगा। अब अगर आप अपने पॉइंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो जिस भी पॉइंट को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से डिलीट पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स के थ्रू अपने लाइन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सर्किल आ रहा है, ये आपकी लाइन को कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कर्व फॉर्म में आप अपनी लाइन में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी लाइन में चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद स्प्लिट कर्व, स्प्लिट कर्व का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए स्प्लिट करा सकते हैं आप अपनी लाइन को, ऐसे कंट्रोल जेड से बैक किया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम आ जाते हैं, अगर हमें और भी कोई लाइन में चेंजेस कराने हैं तो हम इन पॉइंट पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्मूथनेस आपको थोड़ी सी रखनी है, यानी आप जो भी अपनी लाइन में चेंजेस कर रहे हैं वो थोड़ी सी स्मूथ होके करें तो यहाँ पे आप चेंजेस करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रांजिशन लेंगे तो उस तरीके से आप अपनी लाइन में कोई चेंजेस करा सकते हैं। हटाना है अगर आपको लाइन को, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, आपकी लाइन डिलीट हो जाएगी। इसी के बाद हमें इंसर्ट बेसिक शेप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए शेप्स मिल रहे हैं। अगर आप इन शेप को यूज़ करना चाहते हैं माउस को होल्ड करके पेज पे ड्रैग करा दीजिए, आपका शेप बनकर आ जाएगा। ये जो पॉइंट आ रहे हैं इससे हम अपने शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं मूव कराना है तो मूव करा सकते हैं। पोजीशन सेट करनी है तो अलाइन लेफ्ट में रखना है शेप, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, या फिर टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, सेट कर सकते हैं। आपको अगर आपकी शेप की लाइन की सेटिंग करनी है तो यहाँ से आप उसकी लाइन स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, विड्थ वगैरह बढ़ाना है आपको लाइन की, लाइन का कलर क्या रखना है, यहाँ से लाइन कलर ले लीजिए। आप अगर अपने शेप के अंदर कलर की फिलिंग कराना चाहते हैं यहाँ से आप कलर वगैरह फिल करा सकते हैं। इस तरीके से ऐसी हमें और भी शेप्स यहाँ पे मिलेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास सर्कल, डायमंड फॉर्मेट के शेप आ रहे हैं, क्यूब। अब ये जो ब्लू कलर का यहाँ पॉइंट दिख रहा है ये तो
छोटा बड़ा करता है हमारे शेप को, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सर्किल आ रहा है पॉइंट, इससे हम अपने शेप में चेंजेस करा सकते हैं। अगर इस पॉइंट को हम अंदर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो डिफरेंट चेंज होगा शेप में, बाहर की तरफ कराएंगे तो डिफरेंट चेंज होगा। इसी तरीके से आप इसकी भी लाइन स्टाइल वगैरह सेट करना चाहते हैं, विड्थ सेट करना चाहते हैं, लाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं, फिलिंग इसमें क्या करानी है कलर की या फिर ग्रेडियंट की, यहाँ पे बने बनाए ग्रेडियंट्स हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसी अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें और भी शेप्स मिलते हैं, हम इन शेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके आपको हैचिंग सेट करनी है, यहाँ से आप हैचिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने शेप को रोटेट कराना चाहते हैं तो रोटेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट आपके चेंज हो गए, इससे आप अपने शेप में रोटेशन सेट कर सकते हैं, यानी आप अपने शेप को घुमा सकते हैं इस तरीके से। देखिए आप चेंजेस करा सकते हैं अपने शेप में। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है इसी में बिटमैप का, यानी अगर आप कुछ पिक्चर इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने शेप में फिलिंग के लिए तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक। इसका काम क्या होता है, हमने इस तरीके से कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिए, अब मान लीजिए जो शेप सबसे पीछे है अगर आप उसे आगे लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ से करिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो जो शेप आपका सेलेक्ट होगा या जो शेप सबसे पीछे होगा वो फ्रंट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से करेंगे सेंड टू बैक तो शेप आपका पीछे चला जाएगा। अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये एक बार में ही फ्रंट में आता है, और सेंड टू बैक करेंगे तो ये एक बार में ही पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड वन करते हैं तो ये एक एक करके आगे आ रहा है, देखिए इस तरीके से। अगर हम बैक वन करेंगे तो ये एक एक करके पीछे जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड, ये ऑप्शन कैसे चलेगा, तो इसको चलाने के लिए हमारे पास मैटर भी होना चाहिए। ये हमारे पास पेज पे मैटर है और हमने अपने शेप को पेज पे ले लिया। अगर हम यहाँ से करेंगे टू बैकग्राउंड तो टू बैकग्राउंड करने पे क्या होता है, जो हमारा शेप होता है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और कंटेंट जो है वो उसके आगे आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा। अगर हम टू फोरग्राउंड करेंगे तो शेप हमारा फ्रंट में शो करेगा और टेक्स्ट उसके बैक में आता है। अब हम यहाँ पे अगर रैप ऑफ ऑप्शन देते हैं तो रैप ऑफ का क्या यूज़ होगा, इस तरीके से हमने शेप के ऊपर टेक्स्ट लिया, अगर हम रैप ऑफ कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है आधा काम ऑब्जेक्ट के ऊपर से आ रहा है, यदि आधा काम हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप पर और आधा काम ऑब्जेक्ट के बॉटम में शो करेगा। हम इसको कहीं पर भी मूव कराएं तो ऐसे ही हमारा काम आएगा, आधा काम ऑब्जेक्ट के टॉप से और आधा काम ऑब्जेक्ट के बॉटम से। नेक्स्ट अगर हम पेज रैप कर देते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो अराउंड द ऑब्जेक्ट शो करता है। ऑप्टिमल पेज रैप करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट के राइट साइड में हमारा कंटेंट या मैटर शो करेगा, अगर हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आएगा और राइट करेंगे तो राइट में आएगा। रैप थ्रो कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रंट में होगा, जो मैटर होगा वो उसके पीछे होगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप शो ड्रॉ फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे देखिए ड्राइंग की टूल बार शो करने लगती है, यानी जो ऑप्शंस हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं वही ऑप्शंस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे शेप्स मिल रहे हैं, स्टार फॉर्मेट के भी शेप्स मिल रहे हैं, आप चाहें तो इन शेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन पॉइंट से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने शेप को, यहाँ से आप कलर फिल कराना चाहते हैं या ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपको और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ चार्ट्स मिल रहे हैं बने बनाए, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ कॉलआउट्स होते हैं, आप इन कॉलआउट्स को बना के इसमें कुछ नोट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कॉमिक बुक्स वगैरह अगर आप देखिए तो उसमें कार्टून्स की स्पीचेस के लिए इस तरीके के कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, तो ये हमारे कॉलआउट्स होते हैं। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, आपके ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप अपने शेप में 3D फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको टॉगल एक्सट्रूशन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करिए,
यहाँ पे देखिए आपका जो शेप है वो 3D में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ये इसकी टूल बार आ जाती है। अब आप इसकी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, टिल्ट डाउन नीचे की तरफ रखना है इसको, टिल्ट अप ऊपर की तरफ इसको सेट करना है, टिल्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट कराना है, राइट साइड इसको शिफ्ट कराना है, डेप्थ इसकी कितनी रखनी है यानी जो 3D पार्ट है वो कितना आपको यहाँ से सेट करना है, फिर डायरेक्शन क्या रखनी है आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको इसका लाइटनिंग इफेक्ट रखना है यानी आप कितना 3D पार्ट डार्क रखना चाहते हैं या लाइट रखना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। यहीं पे आपको नॉर्मल इफेक्ट भी मिलेगा लाइटनिंग का और डिम भी मिलेगा यानी डार्क भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें वैसे 3D में लाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्राइट ले लिया। फिर आपको 3D कैसी रखनी है, वायर फ्रेम का मतलब केवल 3D में आउटलाइनिंग फॉर्मेट शो करेगा, मेट फॉर्मेट रखना है, प्लास्टिक फॉर्मेट या फिर मेटल रखना है। आपको 3D का कलर कैसा रखना है आप 3D में कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में 3D लगाकर उसकी कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है इसमें वो है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क का काम क्या होता है, फॉन्ट वर्क हमारे टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आपके मैटर के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस मिल रही हैं। अगर आप अपने मैटर को लिखने के लिए इनमें से किसी भी डिज़ाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। यस, इसको पहले हम डिलीट करते हैं। अब हम फॉन्ट वर्क पे आए, यहाँ पे हमने कहा हमें अपने मैटर को लिखने के लिए ये वाली फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास फॉन्ट वर्क लिख के आ रहा है, आपको अपने इस टेक्स्ट को एडिट करना है। डबल क्लिक करिए इस पर, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बैक स्पेस करके इस टेक्स्ट को रिमूव करके अपना जो भी मैटर आपको लिखना है यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका जो कंटेंट है उसी में आ चुका है। इसकी भी आपको टूल बार मिल जाती है फॉन्ट वर्क की भी, यहाँ से आप अपने फॉन्ट वर्क के लिए कोई और भी कोई डॉक्यूमेंट लिखना है जिसके लिए कोई दूसरी फॉन्ट वर्क चाहिए या दूसरी फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉन्ट शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो फॉन्ट स्टाइल ली है उसका शेप बदल सकते हैं इस तरीके से। देखें यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है वर्क सेम लेटर हाइट, यानी आपके जो अनइक्वल लेटर हाइट्स हैं जितने भी आपके लेटर्स हैं उनकी हाइट अगर इक्वल नहीं है तो ये उनको बराबर करने का काम करता है यानी हाइट को इक्वल करने का काम करता है। देखिए इस तरीके से जब हमने क्लिक किया तो हमारे हर लेटर की हाइट इक्वल हो चुकी है। इसी पे क्लिक कर दीजिए, वापस से नॉर्मल कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉन्ट अलाइनमेंट, ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए हम सिंगल टेक्स्ट नहीं लेंगे, दो टेक्स्ट लिख लेते हैं ऊपर नीचे। डबल क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे एक इस तरीके से मैटर लिखा, इस तरीके से ये हमारे पास मैटर है। अब आप इसकी अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में शिफ्ट करना है। वर्ड जस्टिफाई, जस्टिफाई का काम क्या होता है, जस्टिफाई हमारे मैटर को लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल करने का काम करता है। तो जब हम वर्ड जस्टिफाई करेंगे हमारे जो वर्ड है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से जस्टिफाई हो जाएंगे, और अगर स्ट्रेच जस्टिफाई करते हैं तो ये मैटर को खींच के दोनों साइड से बराबर कर देगा, स्ट्रेच करके जस्टिफाई करेगा। नेक्स्ट फॉन्ट कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे वेरी टाइट, तो जो कैरेक्टर्स के बीच स्पेसिंग है वो टाइट हो जाती है, थोड़े से टेक्स्ट पास पास आ जाएंगे। टाइट करते हैं थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, नॉर्मल से नॉर्मल स्पेसिंग, लूज करेंगे तो लेटर्स के बीच गैपिंग बढ़ेगी यानी लेटर हमारे लूज होते जाएंगे, वेरी लूज करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। कस्टम में आप अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना करना चाहते हैं टाइट या लूज वो सेट कर सकते हैं। टॉगल एक्सट्रूशन पे क्लिक करते हैं तो अगर आप चाहो अपने टेक्स्ट में भी 3D अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 3D कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए इस तरीके से, ठीक जैसे भी आपको 3D स्टाइल कलर देना है, और फिर आप उसको टिल्ट डाउन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं जैसे हम
शेप्स में सेटिंग करते हैं, सेम प्रोसेस। आपको इसको हटाना है, टॉगल एक्सट्रूशन पे क्लिक कर दीजिए, 3D हट जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जो टेक्स्ट की आउटलाइन है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, विड्थ कैसी रखनी है, उसका कलर आपको कैसा देना है, अगर आप अपने टेक्स्ट में ग्रेडियंट वगैरह की फिलिंग कराना चाहते हैं, या फिर आप अपने टेक्स्ट में बिटमैप इफेक्ट को लेना चाहते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन देनी है तो आप रोटेट पे क्लिक करिए, ये पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को भी रोटेट करा सकते हैं। तो अब हमारी स्टैंडर्ड टूल बार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड टूल बार के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे।